हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आज एस का कुछ अच्छा सा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जिससे क्या होगा ना उसको कैसे अप्लाई करना है वो क्लियर होगा और उसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो देखो यार इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिस इज अ स्प्रिंग अ ब्लॉक इज अटैच्ड एंड वी एट मेन पोजिशन वी गेव अ स्पीड ऑफ टू मीटर पर सेकेंड टू द ब्लॉक तो वॉट विल बी द एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो मेन uh, पोजीशन पे तो हम क्या बोल सकते हैं मीन पोजीशन पे स्पीड वी मैक्सिमम होता है ठीक है तो वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा अच्छा इस सिस्टम का ओमेगा क्या होगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम क्या हम लगा सकते हैं अंडर रूट ऑफ के बाई एम तो इसको लगाओ के है टू हंड्रेड बाई एम है कितना टू रूट तो ये आ गया टेन टेन रेडियन पर सेकेंड इज द ओमेगा ठीक है मैक्सिमम स्पीड है टू तो टू इज इक्वल्स टू ए इंटू टेन ठीक है तो एम्पलीट्यूड आ गया पॉइंट टू मीटर और ट्वेंटी सेंटीमीटर इज इट क्लियर मैं क्या किया इज इट क्लियर मीन पोजिशन पे वी इज वी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा हम वही तो अप्लाई किए ना तो दिस इज एक्चुअली वन मोर मैथड इज देयर दिस इज फर्स्ट मैथड टू अप्लाई वी ओमेगा मीन्स ए ओमेगा एंड दिस अनदर मैथड इट इज मैथड वन okay there is one more method is there in that amplitude means what amplitude means what key the place at which this block will stop at this point v will be zero again it will come back again it will stop at this point so i will apply the conservation of energy from this to this point means from mean to this point i will apply so v is equal to zero so this is nothing but a इफ द ब्लॉक विल मूव डाउन बाई ए इन दिस डायरेक्शन सो सॉरी इलोंगेशन स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हो जाएगा ए तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कि हाफ इंटू के इज फॉर टू हंड्रेड इंटू एक्स इलोंगेशन इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू एट दिस इंस्टेंट वॉट एवर इज द कानेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक विल गेट कन्वर्टेड इन टू द पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग सो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर दिस टू टू विल गेट कैंसल हंड्रेड तो ए यू विल गेट टू बाई टेन पॉइंट टू मीटर और आई कैन राइट ए इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इज इट क्लियर यू विल गेट दिस वैल्यू नाउ इन दिस केस यू सी वेन दिस कैपिटल एम कैपिटल एम वॉज एक्चुअली डूइंग एस एच एम ये पहले से एस एच एम कर रहा है एम्पलीट्यूड ए का ठीक है कैपिटल एम एम्पलीट्यूड ए का एस एच एम कर रहा है इसके ऊपर एक स्मॉल एम को रख दिए कब जब ये मीन पोजिशन से पास कर रहा था वैन द ब्लॉक कैपिटल एम इज पासिंग फ्रॉम इट मेन पोजिशन ब्लॉक ऑफ स्मॉल एम इज ओवर फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड तो न्यू एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करो जब ये एम इसको जब हम रखें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इनिशियल स्पीड इसका क्या होगा इनिशियल स्पीड इस मास का मीन से क्रॉस कर रहा है तो ए इन टू अच्छा उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड ए है ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम ये स्पीड है इनटू मास एम ये इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका मास मान लो एम प्लस एम और स्पीड मान लो वीडेस हो गया ठीक है तो वीडेस कितना आ गया यार वीडेस सोचो कितना आ जाएगा विडेस आ गया रूट uh, ओवर ये एम कट जाएगा ना तो ए इंटू रूट एम इन टू के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम ये क्या है दिस इज द कंबाइंड स्पीड विन दिस ब्लॉक एडस मान लो तो ये भी तो अभी भी वो, वो दोनों चीज अभी भी मेन पोजिशन पे तो क्योंकि नया जो एस एस एम होगा उसका मेन पोजिशन भी यही रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे एडस इंटू ओमेगा डैस इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे एड एस इंटू ओमेगा डैस तो हम लोग क्या कर रहे हैं ए इंटू रूट एम के डिवाइडेड बाई एम प्लस एम ठीक है इज इक्वल्स टू ए डैश इन टू अच्छा ओमेगा मेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के बाई मास क्या हो जाएगा दो टू आ जाएगा ना एम प्लस एम तो यहाँ से नया एम्पलीट्यूड निकाल लो ना यार कितना आ जाएगा रूट के रूट के कट गया ये हो जाएगा ए इंटू ए इंटू रूट ओवर दिस इंटू दिस से एक कट जाएगा रूट ओवर एम बाई एम प्लस एम इज इट क्लियर ये चीज आ जाएगा आंसर ठीक है यही तो है आंसर क्या क्लियर हो रहा है रूट ओवर एम बाई एम प्लस एम ठीक है यह नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा अच्छा थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है सेम टाइप का कि अब देखो इसमें तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो हम लोग क्या किया ऐसा करके कि एक ब्लॉक रखा हुआ ये मूव नहीं कर रहा है रेस्ट पे इधर से एक बुलेट आया इसको हिट किया तो जब हिट कर देगा तो ये क्या मूव करेगा तो उस टाइम पे हम लोग को क्या बताना है इसका कोलिजन के बाद तो इधर ऐसा करके हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो अभी एम इन अभी इसका इनिशियल मोमेंटम एम वी नोट और बाद में जब दोनों साथ में हो जाएगा तो एम प्लस एम इन टू वी डे तो वी डेक्वल टू एम वी नोट बाई एम प्लस एम ठीक है इतना लिख सकते हैं v नॉट बाई एम प्लस एम ओके अच्छा ये जो स्पीड आया दिस स्पीड इज एट द मीन पोजिशन सो इट विल भी टू ओमेगा सो एम वी नॉट बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई टोटल मास क्या है एम प्लस एम तो यहाँ से ए निकाल लो एम वी नॉट बाईर रूट ऑफ के इंटू एम प्लस एम क्या ये आंसर आया सबका देखो कैन यू सॉल्व दिस हाँ ये क्वेश्चन भी मस्त है देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको अगर हम ज्यादा खींच के रिलीज करेंगे ना तो ये स्लिपिंग हो जाएगा इन दोनों के बीच में देखो तो व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सो दैट दिस स्मॉल एम कैन मूव टुगेदर विद कैपिटल एम कोफिशन ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन म्यू सो दिस टू ब्लॉक्स कैन मूव टुगेदर फॉर अ वट विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओके ना वट इज द मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ दिस स्मॉल एम इफ आई ड्रॉ दिस स्मॉल एम ना तो यू नो स्मॉल एम को कौन मूव कर रहा है स्मॉल एम को फ्रिक्शन मूव करा रहा है फ्रिक्शन जैसे मान लो आगे या पीछे कहीं पे भी लग रहा हो जब भी आगे जा रहा हो तो आगे लग रहा हो तो फ्रिक्शन कितना लग सकता है म्यू इंटू एम इंटू जी तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेरेशन पॉसिबल है ए मैक्स ऑफ स्मॉल एम इज इक्वल टू म्यू इंटू जी यही तो मैक्सिमम फोर्स है दिस डिवाइडेड बाई एम म्यू जी अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम कितना पॉसिबल है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम कैपिटल एम जो है उसका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इन ए यू रिमेंबर ये किससे कनेक्टेड है ये तो सिंपल स्प्रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसका एस का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर यू रिमेंबर मैक्सिमम स्पीड होता है ओमेगा <coughs> तो अब देखो ये छोटा वाला मास ये इसका मैक्सिमम यूजी बड़े वाले का ओमेगा स्क्वायर है तो छोटे वाले मास का बड़े वाले का तो बढ़ सकता है एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा लेकिन ये तो उतना ही रह सकता है तो छोटे वाला बोलेगा कि इफ यू वॉन्ट टू मूव फास्टर यू कैन मूव बट आई कांट इफ यू वॉन्ट टू मूव फास्टर यू कैन मूव कैपिटल एम कैन मूव बट स्मॉल एम कांट सो कैपिटल एम विल टेल ओके वी विल मूव टूगेदर सो देर विल बी ए कंडीशन वॉट कंडीशन कि ए मैक्स ऑफ कैपिटल एम शुड बी आईदर लेस देन और इक्वल टू ए मैक्स ऑफ स्मॉल एम बिकॉज इफ दिस ओमेगा स्क्वायर ए वेन इट विल क्रॉस म्यूजी ना तो इट कॉन्ट मूव विद दिस एक्सेलरेशन सो इट शुड बी आइर इक्वल टू म्यूजी और इट शुड बी आइधर इट शुड बी लेस देन म्यूजी तो दैट इज द कंडीशन या तो उससे कम रहे या तो बराबर रहे तो छोटे वाला उसके साथ मूव करेगा नहीं तो छोटे वाला बोलेगा कि हम उतना ला ही नहीं सकते तुम तो चले जाओ अकेले तो वो अलग बात हो जाएगा तो इट इज ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अच्छा ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ के बाई एम प्लस एम हो तो साथ में रहा अभी हम लोग वही तो माने ना साथ में तो स्प्रिंग को थोड़ी पता है कि अंदर का डील क्या हुआ ये तो इसको लग रहा है कि साथ में मूव कर रहा है तो एम प्लस एम ठीक है इन टू स्क्वायर इन टू ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू जी तो ए शुड बी लेस देन इक्वल टू तो ए एक का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वल टू वाला या तो उससे कम रह रहा है तो म्यू जी इंटू एम प्लस एम बाई के ठीक है आई होप ये क्लियर हुआ होगा ओके okay. हाँ वर्टिकल में देखो ये सब प्रॉब्लम जो होता है ना <coughs> वर्टिकल स्प्रिंग में क्या होगा कि इसका नेचुरल लेंथ एंड मीन पोजीशन अलग अलग रहेगा हॉर्जोंटल में क्या है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस मास का ऐसा रखे तो यही इसका मीन पोजीशन भी है और स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ में भी है लेकिन यहाँ पे क्या होगा मीन पोजीशन का मतलब क्या है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो नेचुरल लेंथ तो वो तो स्प्रिंग का जब वो कोई फोर्स ना लगा रहा हो तो अगर हम किसी भी एम मास के ब्लॉक को लगाएंगे तो नीचे तो एम जी लग रहा है ऊपर मान लो कि एक्स नॉट एक्स नॉट उसका इलोंगेशन है तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा एम जी बाई के तो ये एम जी बाई के खिंचा के यहाँ रुका हुआ है तो जहाँ पर रुका हुआ है तो दैट इज़ एफिनेट इक्वल्स टू जीरो तो ये इसका मेन पोजिशन है और नेचुरल लेंथ जहां तक वो मतलब बिना इलोंगेटेड स्प्रिंग जब बिना इलोंगेटेड में था तो यहाँ तक यहाँ मेन पोजिशन तो ये कुछ नीचे है वही क्या है एम जी बाई के तो इस वर्टिकल स्प्रिंग में हमेशा नेचुरल लेंथ और मेन पोजिशन अलग अलग जगह होगा ठीक है इनका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कितना होगा अच्छा इस केस में क्या होगा <coughs> ये नीचे आ जाएगा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा ना क्योंकि ब्लॉक को हम ऊपर रख दे तो ये इसको कॉम्प्रेस करेगा तो एम जी नीचे लग रहा है और के एक्स नॉट ऐसा क्योंकि कॉम्प्रेस कर दिए तो ऊपर लगाएगा तो यहाँ पर भी सेम चीज आएगा नेचुरल लेंथ मान तक था स्प्रिंग का ब्लॉक रखें तो ये कॉम्प्रेस हो गया ये दोनों चीज क्लियर है एक में इलांगेटेड है, है? ब्लॉक विल मूव टू एंड फ्रो अच्छा अब ब्लॉक का जैसे मान लो इसको तुम ए नीचे करके रिलीज कर दो तो ये मीन पोजिशन के अबाउट टू एंड फ्रो करेगा आर यू गेटिंग यही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि नेचुरल लेंथ के अबाउट वो ले लेते नहीं इसका जो एस एस एम होगा वो मेन पोजीशन इसका क्या हो जाएगा इसके अबाउट टू एंड फ्रो करेगा ये देखो ध्यान से इसके अबाउट यहाँ पे भी इसके अबाउट करेगा एस एच एम इट विल नॉट डू एस एच एम अबाउट द नेचुरल लेंथ ठीक है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर ठीक है जैसे यहाँ पे देखो इफ ये फर्दर इलोंगेट इट बाई ए नॉट जैसे मान लो ये मेन पोजिशन है ये नेचुरल लेंथ है यहाँ से हम ए नॉट खींच दिए तो ये यहाँ से ए नॉट ऊपर चला जाएगा अब वो उसमें क्या है कि वो नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर भी सकता है या उससे नीचे भी रह सकता है डैट विल डिपेंड अपॉन ए नॉट जैसे ए नॉट हम इतना कर दिए तो ये ब्लॉक नीचे गया फिर ऐसा ऊपर गया फिर ऐसा नीचे फिर ऊपर तो नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर ऊपर चला गया तो वो अलग बात है ठीक है इट विल मूव टू एंड ड्रो अबाउट मेन पोजिशन विद एम्पलीट्यूड ए नॉट ठीक है यहाँ पे देखो अब ये सब क्वेश्चन कैसा है कि ये दोनों ब्लॉक जो है यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक है अब हमको क्या बताना है कि इसको हम मिनिमम कितना कॉम्प्रेस कर दे कि इट विल लिफ्ट द टू एम ओके सो वी नीड टू कैलकुलेट